मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 8। बीरबल एंड द वॉशरमैन, बीरबल एंड वॉशर, बीरबल और धोबी के बारे में जो पार्ट था, जो कहानी थी हमारी, वो पूरी हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अकबर्स आइडिया, अकबर का विचार क्या था, अकबर का विचार क्या था, इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 50 पर है, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर एनीवन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस आल्थ ऑफ द नाइट विल बी एम्प्लॉय रिवार्डेड, तक इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेनू वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज, दूसरे का आंसर हो जाएगा। आई शुड ट्राई माई लक, इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई शैल गेट द बिग रिवार्ड एंड वी शैल बी एबल टू लिव वेल, वेल तक हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेनू'स वाइफ नॉट वांट हिम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, तीसरे का आंसर मिल जाएगा। नो नो डू नॉट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच ए रिस्क, रिस्क तक आ जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज कोर्टियर्स ऑब्जेक्शन, कोर्टियर का एतराज, व्हाट वाज कोर्टियर्स ऑब्जेक्शन, कोर्टियर यानी दरबारी का एतराज क्या था। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 51 पर है, दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वाई वॉज बीरबल लेट वन डे, पांचवा एक आंसर मिल जाएगा। हाउ डिड ही ब्रिंग जस्टिस टू डेनू, सीन नंबर है 6 के अंदर मिलेगा इसका आंसर। बीरबल्स हाउस, बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड फार अबव इट बैलेंस्ड ऑन ए टाल ट्रिप्ड इज ए कुकिंग पॉट, यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। व्हाई डिड अकबर कॉल फॉर द वॉशरमैन, 6 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 7th सीन के अंदर, नेक्स्ट डे से लेकर के लास्ट डेनू तक इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करना है आपको सी वाला, सी के अंदर देखो, द खालिस्तान ऑफर्स ए गुड व्यू ऑफ द रिवर, तो एम्परर आ जाएगा, EMPEROR आ जाएगा इसके अंदर। बीरबल इज अनहैप्पी एट द एम्परर्स वर्ड, यानी सम्राट के शब्दों के लिए बीरबल प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी हुआ। द डेनू या वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द रिवर, वॉशरमैन आ जाएगा इसके अंदर। चौथे के अंदर देखो, कोर्टियर्स COURTIERS एंड GUARDS, कोर्टियर्स एंड गार्ड्स, कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आ जाएगा इसके अंदर। पांचवा है, पीपुल एप्रिसिएट APPRECIATE आ जाएगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन करने हैं दो आपको। अब अगले लेसन की मीनिंग लिखाते हैं। लेसन है, लेसन नंबर 9 इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इसकी मीनिंग लिखाते हैं। अगला लेसन है लेसन नंबर 9, पोइम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद के बाजार में
हैदराबाद के बाजार में पोइम है, इसकी मीनिंग लिखाते हैं SELL सेल यानी बेचना, SELL सेल यानी बेचना, MERCHANT मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी, PURPLE पर्पल, पर्पल यानी बैंगनी, PURPLE पर्पल यानी बैंगनी, MIROR मिरर, मिरर यानी दर्पण, WHAT वाट यानी क्या, RICE राइस यानी चावल, CALL काल यानी पुकारना या बुलाना, AMBER एम्बर यानी कठोर या स्पष्ट, WITH with यानी साथ में, WITH with यानी साथ में, IN in यानी अंदर। ये मैंने पोइम नंबर 9 इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद के बाजार में इस कविता की मैंने 10 मिनट लिखाई है, फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको होमवर्क करना है, मीनिंग याद करनी है।